स्टार्टिंग विद द सेकेंड मेथड विच इज डायरेक्ट मेथड अब देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होने वाला है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का वो है सिग्मा एक्स स्क्वायेयर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर और सब कुछ अंडर रूट में आ जाएगा अब देखो यहाँ पे कैपिटल एक्स ही है दैट मीन्स यहाँ पे आपको डेविएशन नहीं निकालनी है यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर डायरेक्टली क्या करेंगे एक्स दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर निकालेंगे और वैल्यू जब सिग्मा करके वहाँ पे पुट कर देंगे। निकालना पे? देखो, तो नहीं निकाल रहे पर मीन क्यों क्योंकि आपको निकाल चुके हैं मैंने न्यूमेरिकल सेम रखा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग देखो एक्स के लिए क्या यहां परिगमा एक्स इज इक्वल टू तो सेवेंटी सिक्स ये मीन के लिए ठीक है अब वैल्यू पुट करो सेवेंटी सिक्स डिइडेड बाई एट अपना मीन पहले भी यही आया था अभी भी यही आएगा क्योंकि वैल्यू सेम है नाइन पॉइंट फाइव ठीक है हमें अब स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वा हम क्या करेंगे x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन फाइव का स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा थर्टी सिक्स सेवन का स्क्वायर हो जाएगा फोर्टी नाइन टेन का स्क्वायर विल बी हंड्रेड ट्वेल्व का स्क्वायर हो जाएगा वन फोर्टी फोर फिफ्टीन का स्क्वायर टू ट्वेंटी फाइव एंड एटीन का स्क्वायर हो जाएगा थ्री ट्वेंटी फोर ये आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आपको क्या चाहिए सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर तो कर लो यहाँ पे कैलकुलेट करो सिग्मा एक्स स्क्वायर विल बी नाइन हंड्रेड एंड ट्वेल्व आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये वैल्यू भी आ गई अब देखो आपके पास एक्स बार भी है एक्स भी है लेट अस पुट द वैल्यूज इनटू द दब सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे देखो यहाँ पे कर लेते हैं आपके लिए देखो हमें क्या बोला है सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस बार का square. हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा एक्स कितना है नाइन हंड्रेड एंड ट्वेल्व डिवाइडेड बाय एन एन कितना है हमारा एट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स बार जो है एक्स बार की वैल्यू क्या है तो का स्क्वायर कर लेंगे अब आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी आप पहले क्या सॉल्व करोगे अंडर रूट नहीं सॉल्व करोगे पहले नाइन हंड्रेड एंड ट्वेल्व डिवाइडेड बाई एट करोगे तो आंसर आ जाएगा हंड्रेड एंड फोर्टीन माइनस नाइन पॉइंट फाइव का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा नाइनटी पॉइंट टू फाइव अब इसका पहले माइनस कर लेते हैं देखो क्या आएगा आंसर आपका यहाँ पे हंड्रेड एंड फोर्टीन माइनस नाइनटी पॉइंट टू फाइव विल गिव यू ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव ठीक है ये आ गया अब देखो पहले भी हमने देखा था हमारा अंडर रूट क्या आया था सॉल्व करने पे अंडर रूट ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आ जाएगा जब आप ये अंडर रूट सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा फोर पॉइंट एटी सेवन ये आपका क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन एंड को एफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हम आगे देख चुके हैं सेम ही आएगा देखो 4.887 आया है आपका तो आप क्या करोगे अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा इसलिए बार बार हम वो चीज़ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हमें मेथड पे ध्यान देना है आपको फॉर्मूला पता चल गया है तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो देखो अपन ने डायरेक्ट मेथड से किया तो भी हमारा आंसर सेम ही आया है नाउ यहाँ पे अपन ने एक्चुअल मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों देख ली लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड मेथड विच इज शॉर्टकट मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज अज्यूम्ड मीन मेथड